नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में राज्य एवं खेल युवा मामले विभाग द्वारा 4 एकड़ से अधिक की जमीन पर बनाए गए सभी खेल स्टेडियमों की विस्तृत मैपिंग करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, श्रम विभाग एवं पंचायत, सिंचाई, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तथा शहरी स्थानीय निकाय और खेल युवा मामले सहित 10 विभागों की मुख्यमंत्री घोषणा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मजबूत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को और अधिक सक्षम बनाएगा ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में सूखा एवं बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की जा रही सभी तैयारियों की समीक्षा करने हेतु हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 जून 2019 को दोपहर 12 बजे भी आयोजित की जाएगी। वहीं उच्च विभाग की सीएम घोषणा की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने गरीब एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़े विभागों से संबंधित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 महीने के भीतर एक नीति तैयार करने के निर्देश जारी किए ताकि वे प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों को विशेष कोचिंग प्राप्त कर सके। यह वित्तीय प्रोत्साहन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और राज्य की हरियाणा सिविल सेवा जैसे उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश जारी किया कि राज्य में विभिन्न निकायों में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले मूक बधिर विद्यार्थियों की सूची भी बनाई जाए ताकि स्नातक कोर की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की और किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।